नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। तो खयाम साहब ने जो पूंजी कमाई उसका एक एक कोई देके जाना चाहते हैं। अब वो कैसे देके जाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई है, उस ट्रस्ट में मुझे चेयरमैन रखा है और भी लोग हैं उसमें, हमारे बहुत अच्छे दोस्त म्यूजिशियंस हैं और वो सब मिलके इस ट्रस्ट को चलाएंगे। खयाम साहब और खयाम साहब की वाइफ जब तक हैं तब तक वो जो जो फैसले करेंगे कि इनको यहां देना, जैसे आज यहां कुछ पैसे देने आए हैं, जहां जहां देना है जैसा वो कहेंगे वो काम हो जाएगा। और उनके जाने के बाद उनके ही सजेशंस जो उन्होंने हमको दे दिए हैं उनका ध्यान रखते हुए हम लोग आगे भी उस फंड से लोगों को पैसे देंगे, सहायता करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहां वो पहले भी दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं और जब तक वो हैं देते रहेंगे और जब वो नहीं होंगे तो हम लोग देंगे। हम लोग इसका आपसे वादा करते हैं। फेडरेशन को दे रहे हैं उन तमाम जरूरतमंद कलाकारों को, कर्मचारियों को मदद करने के लिए और ये इनकी अप्रूव रकम है, कहीं से दान दी हुई और वापस दी हुई नहीं है, जो इन्होंने कमाया है उसमें से है। और आज इत्तेफाक की बात है कि खयाम साहब के केपीजे चैरिटेबल ट्रस्ट के दो ट्रस्टीज का जन्मदिन है। एक है तलत अजीज साहब जो आज यहाँ जन्मदिन की वजह से आ नहीं सके और दूसरा है किशन शर्मा जो आपके सामने खड़ा है। हम दोनों का जन्मदिन भी है और हमारा जन्मदिन इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा ये कल्पना मैंने नहीं की। मैं बहुत आभारी हूँ। इनकी योजना थी कि खयाम साहब हमने ये करना है, मैंने कहा कीजिए और इस केबीजे में सबसे एक शायद अनोखी बात ही है कि सिर्फ जगजीत कौर जी का और कुछ मेरा मेन राशि इनकी है और कहीं से कोई डोनेशन स्पॉन्सरशिप बिल्कुल नहीं। ये प्योर एंड प्योर जगजीत कौर खयाम ये सब और मैं शुक्रगुजार हूं अनूप जी का इस सारी केपीजे जो है सरदारी इनके हाथ देती है, पूरी सरदारी। अब हमें कितनी मोहलत है वो मालिक की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, वाहेगुरु जी की तरफ से कितनी मोहलत है हम नहीं मालूम। मुझे मैं कब कैसे सब कुछ अनूप जी इनके तहत सब कुछ होने वाला है और मेरे ख्याल में सही मानों में
जो हकदार होंगे इसके उनको ये हमेशा हेल्प करेंगे। आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जी हर तरह से सहायता मिले सबको। और उनकी मुझे शब्द नहीं मिले आज, आज आपसे शब्द मिलने वाले हैं। सर ने अनाउंस की थी ये उस वक्त मैं फंक्शन में मौजूद था और मुझे खुशी है कि आज का ये फंक्शन हमारे परिसर में हो रहा है। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जैसी सोच हमारी इंडस्ट्री में और 10 लोगों की भी हो गई तो बहुत सारे वर्कर्स का भला हो जाएगा। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, यही दुआ। ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में, ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया